एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज शुंदा पाठक। सो गाइज, आज एक मैं छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जो कि प्लान नहीं था, बट थोड़ा सा मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये पंजाब का एक बहुत बड़ा मेला है, जो कि है तख्तपुरा साहिब नाम से। आप जो लोग यहाँ के हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये दिन का अभी हो रहा टाइमिंग 1 PM हो रहा है, और मैंने सोचा चलो एक छोटा सा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं और मेरे साथ में भाभी और एक आंटी और भैया, मतलब हम लोग इतने लोग गए थे। हस्बैंड नहीं गए थे क्योंकि उनका कुछ काम था, तो वो नहीं जा पाए थे। सो दैट मैं उनके साथ गई थी, और लिटरली बताऊँ यहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मेला ऐसी जगह होती है ना जहाँ इंसान बहुत इन्जॉय करता है। तो ये वहाँ का गुरुद्वारा है, जहाँ पे ऐसा माहौल है जो कि आप देख ही रहे हो। और गुरुद्वारा बहुत, मतलब मुझे लगता है बहुत ही पीसफुल होता है। लाइक मैं अमृतसर जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक घूमने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे गुरुद्वारे में जाना या फिर वहाँ पे दर्शन करना। तो ये है मेन जो गुरुद्वारा है दोनों। और इसके अलावा अभी बाहर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, जहाँ का मैं थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स ली हुई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये एक बहुत ही छोटू सा रैंडम सा व्लॉग है। सो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये यहाँ पे हो रहा है लंगर, लंगर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, आपको तो पता ही है पंजाबी में किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। तो लंगर का प्रसाद तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये बस, बाकी हमने एक ये झूला झूला हुआ है, और क्योंकि मेरे साथ कोई ज़्यादा देने वाला था नहीं, तो बस मैं और भाभी हम ही थे, तो यहाँ पे हम इस पे झूले हैं। बाकी और कुछ शॉपिंग वगैरह की है छोटी मोटी सी, वो करके फिर वापस आ गए घर। सो वापस आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मुझे ये था कि कुछ बनाना था, तो मैंने फटाफट से सूजी का चीला बना लिया। सो इसमें मैंने सूजी, दही और प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया, नमक, मैंने इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जब तक मैंने चेंज विंज कर लिया था। सो इसको छोड़ देने से क्या हो जाता है ना, कि वो दही का जो थोड़ा जो सही काम होता है ना, उसको फुलाने का, फ्लफ़ी करने का, वो बहुत अच्छे से कर देता है। और सूजी का चीला मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप शाम को नाश्ते वगैरह का कुछ सोच रहे हो तो। लाइक मैं रैंडमली अगर बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा ओट्स का चीला बनाती हूँ, जिसमें मुझे ओट्स और सोयाबीन को मैं मिक्स करती हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला करके बनाती हूँ, वो मैं अपने किसी अदर ब्लॉग में दिखाऊँगी आपको। फिलहाल यहाँ पर मैं तेल एक्स्ट्रा नहीं लगाती हूँ, तो मैं ब्रश के थ्रू जब लगाती हूँ ना आप, तो बहुत कम तेल लगता है। तो मैंने बहुत हल्का सा इस पर जो है ग्रीसिंग कर दी अच्छे से। अब मैं यहाँ पर डालूँगी अपना बैटर, और बैटर डाल के आपको बस फैलाना होता है, जिस भी शेप में फैल जाए, गोल मटोल जैसा भी हो। कभी कभी तो गोल बनता है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि तिरछा मिर्चा सब हो जाता है इसमें। तो फिलहाल मेरा तो ऐसे ही बनता है, और बहुत ईजिली निकल जाता है। लाइक अगर बहुत लोग कहते हैं नॉन स्टिक तवे में ही निकलता है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल तवे में भी अगर हल्की सी ग्रीसिंग कर देते हो ना, ऑयलिंग कर देते हो, तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। अभी आप देखना, आप मेरा भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। और इसके साथ में मूंगफली की चटनी बहुत पसंद है, बट मेरे पतिदेव को मिर्च वगैरह की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं, और जल्दी भी थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो मुझे ये था कि जल्दी इसको बनाना, फिर खाना भी बनाना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये इस तरीके से फैला करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, चाहे आप इसको ढक करके रखिए। फिलहाल मैं ढक करके नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल हल्का सा ही रख के बना देती हूँ, क्योंकि ढक के रखने पे थोड़ा सा वो भाप से ना अजीब सा हो जाता है, कुरकुरापन मतलब नहीं आ पाता उसके अंदर। और बस ऐसे करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के उसके बाद हम इसको पलटेंगे, और शेप तो आप देख ही रहे हो कैसा हो गया है। और यहाँ मैं बस जस्ट चेक कर रही हूँ कि निकलेगा या नहीं, तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ईजिली ये अगर इस तरीके से निकल जाए ना तवा, सॉरी पलटा, तो मतलब निकल जाएगा अच्छे से। तो बस अब इसको पलटने का टाइम है, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा हार्डवर्क होता है इसको बनाने में। जब आप इसको पलटते हो सीधा निकल जाता ना, तो इतनी खुशी मिलती है कि वाह चलो निकल गया अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं, ये तो चलिए सूजी का चीला है, बट इसके अलावा आप बेसन का चीला बना सकते हो। उसके साथ साथ जो मैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम बनाती हूँ वो होता है ओट्स का चीला। उसमें मैं ओट्स को भून करके पीस के रख लेती हूँ उसका पाउडर, और उसमें मैं थोड़ा सा सोयाबीन पीस के रखती हूँ, वो भी मिलाती हूँ। सो ये रेसिपी मैं एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। फिलहाल जब मुझे लाइक शाम को स्नैक्स में कुछ नहीं समझ आता, मैं इनके लिए यही बना लेती हूँ। बट जब मैं बात करती हूँ लाइक अगर आप वर्कआउट वगैरह भी करते हो तब उसके लिए चाहिए, तो आप ओट्स चीला खाओ, और मैं वो बहुत जल्दी अपने किसी ब्लॉग में बना के दिखाऊंगी। तो चलिए फिलहाल अभी ये बन रहा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ये फाइनली बनता है। और इसके साथ मैंने बना ली है चटनी, और वो है प्याज टमाटर ये सारी मिला कर, क्योंकि पतिदेव को यही पसंद है। तो मैं यहाँ पे आज मूंगफली की चटनी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इनको खाना था कुछ तीखा तीखा खाने का मन था, तो मूंगफली थोड़ा सा मीठा सा बन आ जाता उसमें, तो इसलिए मूंगफली की चटनी नहीं है, हम इसके साथ खाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बनाना है बहुत सारा, तो बस उसको बना के फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।
तो गाइज़ ये एक बहुत छोटू सा व्लॉग था और यहाँ पे मैं इसका दूसरा पीस भी बना रही हूँ। सो ऐसे करके मैंने और भी बनाए, तो बाकी मेरा नाश्ता तो यहाँ कंप्लीट हो गया बट मैंने अपने व्लॉग का एंड नहीं किया था, सो दैट मैं आपको ऐसे वॉइस ओवर में अभी एंड कर दी। बाकी नेक्स्ट व्लॉग मेरा बहुत बढ़िया वाला आने वाला है जो कि डेट प्लान से रिलेटेड है। सो बस वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।